यू स्विंग से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। लेकिन स्विंग गुस्से से मना कर देता है और अपनी गाड़ी में जाके कहता है कि अब मुझे बाहर का रास्ता दिखाओ। यू आगे आगे स्विंग उसके पीछे पीछे ड्राइव कर रहा था, लेकिन यू उसे बाहर नहीं ले गया, वो उसे फूड स्टॉल पे ले गया। स्विंग कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं खाना। यू कहता है थोड़ा खा लो, उतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें जरूरी भूख लगी होगी। स्विंग गुस्से से कहता है शो ऑफ मत करो, इतनी स्पीड से मैं नहीं थकता। लेकिन फिर भी यू उसे कार से बाहर निकालता है और उसकी जेब से टाई निकाल के उसे पहनाने लगा। और वो सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन सबकॉन्शियसली मैं बस ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग उसे इस तरह से देखे। उसने अच्छे से स्विंग को टाई पहना दिया जिससे एक भी मार्क नहीं दिख रहा था। फिर वो जबरदस्ती उसे खाना खाने ले गया, लेकिन जब ऑर्डर आया तब भी स्विंग नहीं खा रहा था क्योंकि उसे ऐसी जगह पे मिलने वाले खाने पे यकीन नहीं है। यू कहता है एक बार खाने से तुम मर नहीं जाओगे, इतना डर क्यों रहे हो। उसने अपने हाथों से स्विंग को खिलाया और वो स्विंग को बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगा। यू ने ये भी बताया कि सुलिन को यहाँ की ये वाली डिश बहुत ही पसंद है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। फिर जब यू बिल पे करने गया तब सुइन को पता चला कि उसने अभी ये जो खाना खाया उसकी कीमत थी सिर्फ 38 युआन। सुइन तो बहुत ही गुस्सा हो गया कि इतना सस्ता डिनर तो कभी मैंने नहीं किया, तो क्या मेरी कीमत इतनी कम है। उसके बाद फिर यू ने उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया और आखिर में स्विंग उसके और बहुत ही गुस्से से देखता गया। उसके बाद हमें दिखाया गया कि यू स्मिर करता है और अपने होठों को लिक करता है। इसका मतलब है कि यू बहुत ही सेटिस्फाई महसूस कर रहा है। लेकिन स्विंग उसके बाद काफी दिनों तक डिप्रेशन में ही रहा। वो अपने ऑफिस में था तब शालिन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आया। तब वो अपने काम के बारे में सब कुछ बताने के बाद स्विंग की ओर देख रहा था, तो स्विंग उसे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो। शालिन उसे इशारा करके दिखाता है कि उसके नेक पर मार्क दिख रहा है। स्विंग को अंदर से झटका तो लगा, लेकिन वो बाहर से सब कुछ नॉर्मल है ऐसा ही दिखाते हुए कैजुअली कवर करने लगा। लेकिन शाओलिन वो मार्क कवर करने में उसकी मदद करता है और कहता है कि भाई आप काफी दिनों से घर डिनर के लिए नहीं आए हो, तो फिर डैड कह रहे थे कि आपको आना है। स्विंग कहता है ठीक है मैं एक दिन आ जाऊंगा, चलो तो फिर अपने काम पे जाओ। लेकिन जब शाओलिन जा रहा था तब स्विंग उसे बुलाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम हर बार लियू को मिलने जाते हो। तब शाओलिन को फिर से याद आ गया कि बीच पे स्विंग यू को किस कर रहा था। वो कहता है कि हाँ हम तो ओकेशनली मिलते रहते हैं। स्विंग कहता है अब तुम्हारे पास पैसे भी है और टाइम भी है, तो फिर जल्दी से एक गर्लफ्रेंड बना लो। शाओलिन कहता है भाई इसका क्या मतलब है। स्विंग हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे इस बात का डर है कि तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। स्विंग को पक्का यकीन है कि शाओलिन के अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो मेरी चीज चुराए। वो शाओलिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस वजह से तुम बहुत ही डर गए होंगे, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जिसे पसंद करना चाहूँ उसे करूँगा और मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं मुझे उसकी कोई केयर नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि लियू तुम्हारा दोस्त है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे दिन ऐसे लड़कों के साथ मत घूमते रहो, एक गर्लफ्रेंड बना लो, उससे सारे वक्त बात करना अच्छा रहेगा। शाओलिन कहता है मुझे अभी तक सही लड़की नहीं मिली।